Welcome student, how are you? Online education, Jeevan Pragya Vidyalay. Today we are discuss about the first chapter, Christopher, part 3. Second part में हमने क्या पढ़ा था student? Second part में हमने पढ़ा था, Ophero help the little boy cross the river. Ophero एक little boy की help करता है नदी के उस पार जाने के लिए. नाउ अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड पार्ट. ओफेरो पुट द चाइल्ड ऑन हिज शोल्डर. ओफेरो ने बच्चे को अपने कंधों पर रखा. एंड वडेड थ्रोट द एंग्री रिवर. और गुस्से में नदी के माध्यम से जागा. द आइस वे लेस ऑन हिज बॉडी एंड द विंड्स रोरेड. बर्फीली महरे उसके शरीर पर घिसी और हवाएं गरजने लगी. बट ही हेल्ड द चाइल्ड टाइटली एंड वॉक ऑन. पर उसने बच्चे को कसकर पकड़ रखा. एट लास्ट दे रीच द अदर साइड. और आखिर में वो दूसरी तरफ पहुंच गए. सी द पिक्चर. ओफेरो लिटल बॉय क्रॉस द रिवर. ओफेरो सेट द चाइल्ड डाउन वेरी जेंटली. ओफेरो ने बच्चे को बहुत ही धीरे से नीचे बिठाया. लिटल वन ही सेड. उसने कहा, से लाइक कम विथ यू. मैं तुम्हारे साथ आऊँगा. इट इज टू डार्क फॉर यू टू गो अलोन. तुम्हारे जाने के लिए बहुत अंधेरा है. बट द चाइल्ड सेड नथिंग. बच्चे ने कुछ नहीं कहा. ही ओनली स्माइल एट ओफेरो एंड वॉक अवे. उसने ओफेरो को स्माइल दी और चला गया. ओफेरो सो अ सॉफ्ट सर्कल ऑफ लाइट राउंड चाइल्ड्स हेड. ओफेरो ने बच्चे के चारों ओर एक प्रकाश देखा. नाउ ही अंडरस्टूड एवरीथिंग. और वो सब कुछ समझ गया. ही फेल ऑन हिज नीज एंड सेड. और वो अपने घुटनों पर गिर गया. ओ गॉड, हे भगवान, इट वॉज चाइल्ड क्रिस्ट. यह बच्चा एक महीस था. हुम आई कैरी ऑन माई शोल्डर. जिसे मैंने अपने कंधों पर उठाया था. सी द पिक्चर. ओफेरो सो द लिटल बॉय एंड अराउंड द लाइट. व्हेन पीपल केम टू नो ऑफ इट. जब लोगों को पता चला तो उन्होंने उनका नाम, दे गेव ओफेरो द नेम क्रिस्टोफरो फ्रॉम क्रिस्टोफरो. तो उन्होंने उसका नाम क्रिस्टोफर रख दिया. वी गेट द इंग्लिश नेम. ये एक अंग्रेजी नाम है क्रिस्टोफर. इट मीन्स, इसका मतलब है बैरियर ऑफ क्रिस्ट. लेटर क्रिस्टोफर केम टू बी अ नाउ एज अ सेंट क्रिस्टोफर. क्रिस्टोफर को सेंट क्रिस्टोफर के रूप में भी जानने लगे. नाउ स्टूडेंट, ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर क्रिस्टोफर. ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी एक्सरसाइज देखेंगे. ओके.